लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब लेकर के, जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि जान करके आप एक्शन ले सकते हैं और खुद का कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ऐसे ही सवाल हम यहाँ लेकर आते हैं और उनके जवाब लेकर आते हैं आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेक और वेलकम है आपका एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो लाइफ के स्ट्रेस को दूर करने में काफी मदद करता है। एंटरटेनमेंट के बहुत से सोर्सेज है, जैसे कि रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट, जिनमें से किसी न किसी सोर्स से हम जुड़े रहते हैं। इनमें से एक इम्पोर्टेंट और पॉपुलर एंटरटेनमेंट सोर्स टीवी है, जो लगभग हर घर का हिस्सा है और इसे चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस टीवी में हमें सब कुछ मिल जाता है, कार्टून, सीरियल्स, मूवीज, न्यूज, गाने और भी बहुत कुछ। और खास बात ये है कि टीवी ने समय के साथ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी की है, तभी तो आज हम रिमोट से चैनल बदलते बदलते थक जाते हैं, लेकिन चैनल जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो हर तरीके से, हर पसंद के अलग अलग नए नए और एक से बढ़कर एक चैनल देखने का बहुत ही आसान ऑप्शन हमें टीवी में मिल जाता है। और आजकल तो कमाल की बात ये है कि हर एक टॉपिक के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए अपना अलग चैनल है, जैसे गानों का चैनल, और एक चैनल है जहाँ पे आप खाना बनाना सीखते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े चैनल। तो हर चैनल की अपनी एक पर्सनल कैटेगरी है, जो बहुत ही कमाल की बात है। आपको जो देखना है बस देखिए। और ऐसे में अगर आप भी खुद का टीवी चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि टीवी चैनल क्या होता है। जिस टेलीविजन के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये बस रिमोट से ही शुरू हो जाता है, उस टेलीविजन चैनल के शुरू होने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि टेलीविजन चैनल एक टेरिस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी होता है, या एक वर्चुअल नंबर, जिस पर टीवी स्टेशन या टीवी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि रेडियो स्टेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, जो उनके नाम में शामिल होती है, जैसे रेडियो मिर्ची 98.3 और रेडियो सिटी 91.1। तो इसी तरीके से टीवी चैनल्स को भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जिस पर वो चैनल शुरू होता है। अब ये जानना होगा कि खुद का टीवी चैनल कैसे शुरू किया जा सकता है। तो खुद का टीवी चैनल शुरू करना पहले काफी आसान हुआ करता था, लेकिन जब से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तब से ये प्रोसेस इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि 2014 में आई इस गाइडलाइन को फॉलो करके ही खुद का टीवी चैनल शुरू करना पॉसिबल हो सकता है। बहुत से टीवी चैनल्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और बहुत से टीवी चैनल्स प्राइवेट हाथों में होते हैं, और प्राइवेट कंपनीज नए नए आइडियाज और स्ट्रेटेजी के साथ नए नए टीवी चैनल्स को लॉन्च करती रहती है, जिससे दर्शकों को एंटरटेनमेंट के नए ऑप्शंस मिलते रहे और कंपनीज को बेनिफिट मिले। तो कुल मिलाकर के इस प्रोसेस में सबसे पहले टीवी ट्रांसमिशन मोड सिलेक्ट करना होता है, और इसके बाद लीगल इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करना होता है। टीवी ट्रांसमिशन के दो पॉपुलर टाइप्स हैं, कन्वेंशनल और मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम में एनालॉग टेरिस्ट्रियल टीवी, डिजिटल सैटेलाइट टीवी और केबल टीवी आते हैं। मॉडर्न सिस्टम में डिजिटल टेरिस्ट्रियल टीवी, वीडियो ऑन डिमांड और इंटरनेट टीवी चैनल्स आते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनमें से टीवी ट्रांसमिशन मोड को सिलेक्ट करना होगा। पर अब सवाल ये है कि टीवी चैनल को शुरू करने के लिए बजट क्या होना चाहिए। तो ये तो आप भी समझ गए होंगे कि टीवी चैनल को शुरू करना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने जैसा नहीं होता, बल्कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और इसका शुरुआती बजट आपके टीवी चैनल के टाइप पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि टीवी चैनल वही कंपनी खोल सकती है जिसकी नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ रुपए हो, और अगर एक न्यूज चैनल खोला जाए तो इसके लिए कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 20 करोड़ रुपए होनी जरूरी है। और अगर आपकी कंपनी इस कंडीशन को पूरा करती है, तो आप टीवी चैनल के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर ही आपको अपना टीवी चैनल शुरू करना होगा। अब टीवी चैनल के लिए लाइसेंस लेने के प्रोसेस की बात की जाए, तो यहाँ पर अपलिंक हब की जरूरत होती है, जिसमें चैनल शुरू करने से जुड़े एजेंडे के बारे में जानकारी देनी होती है। इस स्टेप को पूरा करने के बाद आपकी कंपनी चैनल शुरू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के साथ ऑफिशियली वर्क कर सकती है। और अगर आपकी कंपनी एक न्यूज चैनल को शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए अपलिंकिंग का प्रोसेस भी लगभग वैसा ही होता है जैसा एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए होता है।
लेकिन इसके लिए आपको NOC की जरूरत भी होगी। इसके अलावा TV चैनल को शुरू करते टाइम आपको चैनल के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और कंटेंट अप्रूवल से जुड़े कई फॉर्म्स भी सबमिट करने होंगे। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। टीवी चैनल शुरू करने पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिनमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ किया जाता है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। इसके बाद ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद रिन्यू भी करवाने होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स और टीवी शोज और मूवीज के कंटेंट ओनर के साथ भी एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है। जहां तक चैनल के लिए रेवेन्यू की बात है तो इसके लिए कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप। टीवी चैनल एडवर्टीजमेंट चला करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जाता है और प्रायोजित कार्यक्रम चलाने पर जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो भी प्रॉफिट का ही एक रूप होता है। टीवी चैनल की कमाई का एक और सोर्स रॉयल्टी फीस भी है। तो टीवी चैनल शुरू करने के लिए आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। अगर आप टीवी चैनल शुरू करके एक सफल बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाना होगा। उसके बाद आप टीवी चैनल का लाइसेंस ले लीजिए और अगले एक साल में अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने चैनल के लिए सेटअप और सभी जरूरी प्रोसेस को पूरा कर लीजिए, ताकि टाइम रहते ही आपका टीवी चैनल शुरू हो सके और आपके लिए सक्सेसफुल भी साबित हो सके। टीवी चैनल का लाइसेंस लेने से पहले ही आप ये तय कर चुके होंगे कि आपको किस तरह का टीवी चैनल शुरू करना है, न्यूज चैनल या एंटरटेनमेंट चैनल। तो इसीलिए इसके बाद आपको अपने चैनल के नेचर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को फिक्स करना होगा जो आपके चैनल पर दिखाए जाएंगे। अपने टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम्स को फाइनल करना, बजट के अनुसार स्टूडियो हायर करना और ऐसी परफेक्ट टीम को तैयार करना जो कि टीवी चैनल को चलाने से जुड़े हर फील्ड पर अपनी कमांड रख सके। ये सभी इम्पोर्टेंट काम आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मनी इन्वेस्ट करने से ही एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता है, बल्कि मार्केट की समझ, सही स्ट्रेटेजी, नए आइडिया और परफेक्ट टीम वर्क ही किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जबकि वीक स्ट्रेटेजीज और इम्परफेक्ट टीम अच्छे से अच्छे और सफल से सफल बिजनेस की भी नींव को हिला सकती है। अभी इंडिया में 900 से ज्यादा प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं और इस टीवी वर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आपका स्मार्ट विजन, बिग बजट और भीड़ से हटकर के तैयार किया हुआ कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि योगा के लिए एक अलग चैनल है, खाने पीने का एक अलग चैनल है, म्यूजिक का एक अलग चैनल है, इवन आजकल रीजनल लैंग्वेज के भी अपने अपने अलग अलग चैनल है और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। मतलब इस एरिया में आपके पास बहुत बड़ी छोटी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही होगी और स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होगा। तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे इसी के साथ दोस्तों, क्विक सपोर्ट चैनल को पूरी उम्मीद है कि टीवी चैनल शुरू करने से जुड़ी ये सारी जानकारी समझना आपके लिए आसान साबित होगा। और नए बिजनेस को शुरू करने की तरह टीवी चैनल को शुरू करने से पहले भी आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और बिजनेस प्लान को तैयार करेंगे, ताकि किसी भी स्टेप पर आपकी कंपनी को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और इंडिया के टीवी वर्ल्ड का एक पॉपुलर हिस्सा बनने में आपके चैनल को ज्यादा टाइम ना लगे। तो आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो आगे होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही इनोवेटिव जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।